गौंद जिले में कैदी की मौत के बाद सियासी संग्राम गर्मा गया है, जिसकी सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष और सदस्य बिस्टान के खैरकुंडी गांव पहुंचे। हम आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व जेल में बिशन नाम के युवक की हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व मंत्री और महेश्वर की कांग्रेस विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, विधायक ग्यारसी लाल रावत, पांची लाल मैणा, भिकनगांव विधायक झुमा सोलंकी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, खरगोन विधायक रवि जोशी पहुंचे। डॉक्टर साधो ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान जांच कमेटी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग करके आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, जिसकी सीबीआई जांच करके मृतक के परिवार को मंदसौर नीमच की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देकर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कि उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी के अंदर हुई। लड़का उनका बोला 19-20 साल का कि मेरे पिता को मैं रोज रोटी देने जाता था, 4 दिन तक उसको रोटी खाने को नहीं दी, रोटी अब की थप्पी लग गई और मुझे खुद को कस्टडी में लेके वहाँ बिठा लिया। 2 झापड़ भी लगाए वहाँ पर थाने पर पुलिस वालों ने और सुबह से लेके शाम तक मेरे को बिठा के रखा। मेरे पिता चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मुझे खाना दे दो, उसके बाद भले ही मार लेना, लेकिन उसको बिना खाने के उसके बेचारा चला गया, मौत हो गई। मैडम, आपने सीबीआई जांच की मांग की है क्या? बिल्कुल, हम सब लोगों ने क्योंकि हमको भरोसा नहीं है शिवराज मामा के शासन प्रशासन पे, तो हमने सीबीआई की मांग की है और इसके साथ ही मृतक परिवार को 1 करोड़ आर्थिक व्यवस्था शासन दे, उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी दे और जो भी शासन की योजना है उससे उसका लाभ दे, और इसके साथ ही जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है, जिनके कारण उस गरीब परिवार के व्यक्ति की कमाऊ पूंज की जो मृत्यु हुई है उसमें जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर हत्या का कानून जो हमारे देश में है उसको लागू करते हुए उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। काय के कारण होता है सेप्टिसीमिया तब होता है जब किसी को जख्म होता है और जख्म का कारण सेप्टिसीमिया होता है और उसकी मृत्यु होती है। अब मेरे को पता नहीं है कौन डॉक्टर है जिसकी मृत्यु तो सेप्टिसीमिया से बता रहा है लेकिन जख्म को नहीं बता रहा है। और आप हमने सबने देखा उसके जो फोटो देखे उसमें उसका मांस अंदर तक के टिश्यू मसल हड्डी तक दिखाई दे रही है। इससे और ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए उन लोगों को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।